स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल HTT में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे टेप बैकअप के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले टेप बैकअप के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो हम आपको कुछ लिस्ट बताते हैं कि क्या क्या चाहिए था। पहला चाहिए था लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मतलब कि आप आज उस पर डेटा लिखे, मतलब आज आपने बैकअप किया और उसको 10 साल बाद भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि CD में करना पॉसिबल है, CD DVD में, ब्लूरे में पॉसिबल है, उस तरह करना चाह रहे थे। फिर इसमें ऑफलाइन होना चाहिए, मतलब इसको जैसे आप नेटवर्क अटैच स्टोरेज में अगर आप कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि वो हर टाइम बिजली खाता रहता है जिस टाइम वो चल रहा है, और उसको नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा तभी उसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहा जाता है। तो ये नॉट मतलब एक समझिए सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तक कोई ना कोई तो उसको हैक कर ही सकता है, तो ऑफलाइन रखना सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, बिजली का भी बिल फालतू का खा रहा है तो पावर भी नहीं खाना चाहिए बैकअप करने के बाद। बैकअप के टाइम ले बिजली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैकअप जब हो गया तब बिजली ना खाए। और ठीक है, कुछ भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट से ज़्यादा मायने रखता है जिसको कहा जाता है रनिंग कॉस्ट। मतलब इस केस में रनिंग कॉस्ट को ये कहा जाएगा $ पर GB, मतलब 1 GB के लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं। आप मान लीजिए 600-700 GB पर मंथ आप बैकअप कर रहे हो, तो पर GB के हिसाब से आप देखोगे कि कितना मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो कम होना चाहिए। दूसरा, ठीक है जो भी आपने लगाया लेकिन वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पहले IBM के जो पुराने कंप्यूटर होते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, उसमें इस तरह के टेप्स लगते थे, जो कि आपने मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा होगा, हेल हाइड्रा वाला सीन जिसमें ये टेप ड्राइव पे रखे गए हैं, तो उतना बड़ा बड़ा तो काम चलेगा नहीं। कुछ कॉम्पैक्ट चाहिए, जैसे आपको पता ही है ये भी मैग्नेटिक टेप पे ही काम करता है, और कैसेट्स तो आपको पता ही होगा कुछ ही साल पहले कैसेट्स ख़त्म हुए हैं, तो मतलब कैसेट्स तो कई लोगों के पास अभी भी होगा घर में, मेरे पास भी यहीं सामने रखा हुआ है। तो ऐसे ज़रूरत को हमारे सामने आया, तो ज़रूरत को हम लोग मीट किए डिजिटल लीनियर टेप बना के। बेसिकली टेप्स के में बहुत साल से एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया जा रहा था, तो जितनी चीज़ हम लोगों ने सीखा जिस टाइम टेप एकदम मतलब कि ये फुल मार्केट में था, तो काफ़ी नॉलेज मिला उससे। तो वो सारे नॉलेज को जोड़ के, मतलब इससे ये अच्छा होगा, इससे टेप ज़्यादा चलेगा, इससे डेटा करप्ट नहीं होगा, तो हर चीज़ को मिला के जो नॉलेज मिला उससे हम लोग वो बनाए। और उसके बाद उसको एक फॉर्मेट दिया गया, फॉर्मेट का नाम है LTO। वो LTO का मतलब है लीनियर टेप ओपन। ये ओपन इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे भी आपको कैसेट पता हो, कैसेट में दो छेद होते, मतलब दो स्पूल होता है, इसमें मतलब इसके कार्ट्रिज में सिर्फ एक स्पूल होता है, दूसरा स्पूल आपके ड्राइव में होता है जहाँ पे आप लगाएंगे कैसेट को, दूसरा उसमें होता है। जैसे आप VHS में देखते होंगे कि दोनों स्पूल है, मतलब सिर्फ प्ले हेड उसमें होता है प्लेयर में, इसमें वैसा नहीं है, इसमें दूसरा स्पूल होता है, इस कारण से इसको ओपन कहा जाता है। ड्राइव जो है इसका, मतलब जिसमें आप चलाएंगे, मतलब VCR जो है इसका, वो बहुत महंगा आता है। मतलब टेप तो आप अभी आंख बंद करके खरीद सकते हैं, लेकिन उसका ड्राइव 60-70 हज़ार से नीचे तो स्टार्ट भी नहीं होता, कई लाख का आता है, क्योंकि ड्राइव बहुत महंगा होता है, क्योंकि पूरा स्पूल बना रहा है वो, बहुत महंगा चीज़ है ड्राइव। फिर टेप जो है वो काफ़ी सस्ता है, मतलब अभी आप जैसे ये डेल का है या सोनी का है आप खरीद सकते हैं, जो कि एक हार्ड ड्राइव से सस्ता पड़ेगा। मतलब आप सेम स्पेस को देखते हैं, मतलब जैसे कि ये टेप जो दिखा रहा हूँ ये 6 TB का है, इसका दाम करीब 4,500 में आपको मिल जाएगा, तो मतलब पर GB इसका दाम बहुत कम होता है। और चूँकि इसके स्टैंडर्ड किया गया है, मतलब एक टेप का एक ही साइज़ रखा गया, तो टेप की लाइब्रेरी बनाई जा सकती है, जैसे कि आपका पास कैसेट के पुराने कैसेट के लाइब्रेरी होते थे, और इस टेप में हर टेप के पीछे बारकोड दिया जाता है, तो ये बारकोड के फ़ायदे मैं आगे बताता हूँ। तो ये हम लोग को मिला, ड्राइव बहुत महंगा निकला, बहुत बहुत महंगा है, लेकिन टेप सब सस्ता है। तो फ़ायदा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने आपका ऑफिस का कोई भी सिक्योरिटी डिटेल है, मतलब कोई भी बैकअप चीज़ रख रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए, आप उसको डिलीट कर दीजिए अपना एक्टिव सर्वर से और इसमें बैकअप करके छोड़ दीजिए। मतलब जो भी जैसे आपने एक महीने का काम किया, क्लाइंट को डिलीवरी दे दी, उसके बाद आप बैकअप बना के रख लिए, ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि वो सर्वर में रहे, क्योंकि सर्वर अगर आपका कभी भी ब्रीच हुआ तो वो पूरा डेटा चला जाएगा, तो इस कारण से उसको अलग रखा जाता है। कहीं कहीं जगह पे लोग अलग सर्वर रखते हैं कि हाँ, मतलब जैसे ही मेरा मेन सर्वर का काम हो जाए, मतलब क्लाइंट को डिलीवरी दे दिया, उस फाइल को बैकअप रखना है, ठीक है, उसको मेन से डिलीट करो, सेकेंडरी में रख दो। तो ये सब करने के लिए इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बिजली ही हटा देता है। मतलब आप जैसे मान लीजिए एक महीने का काम आपने एक टेप में रखा, एक छोटी ऑफिस की बात करो, बड़े ऑफिस तो कई सारे टेप लग जाएंगे, लेकिन आपने वो आप मानिए 5 दिन का आपने काम किया, आप शनिवार को गए, आपने सुबह लगा दिया टेप, पूरा दिन लग गया उसको, टेप थोड़ा स्लो होता है, तो पूरा दिन लगने के बाद आप रात को निकाले टेप, अपने घर में रख दिए, काम खत्म। अब वो डेटा आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कर, अब कोई भी हैकर कुछ भी कर ले वो उस डेटा को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपके पास
फिजिकली डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब उसमें कोई लाइन ऑफ कनेक्शन है ही नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं, कुछ नहीं सोचना आपको, बनाए और भूल गए। और ऑफ साइट बैकअप करना ये बहुत आसान हो जाता है इसके चलते। ऑफ साइट का मतलब आप ये समझिए, जब भी आप कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग बनाए, आप हज़ार को बैकअप लगाएं, अब बैकअप लगा दिए हैं आप, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ का बैकअप है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन आग लग गया बिल्डिंग में तो आपका सारा चीज़ चला जाएगा। इसलिए लोग जनरली ऑफ साइट भी रखना चाहते हैं। ऑन साइट बैकअप रखेंगे, मतलब मेन सर्वर है उसका एक बैकअप बनाया जाएगा, लेकिन एक ऑफ साइट बनाई जाती है कि कभी अर्थक्वेक हो गया या कभी हरिकेन आ गया या कुछ भी हो गया, जिससे कि वो बिल्डिंग, वो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, मतलब वो लोकेशन में नुकसान हो गया, उसके बाद भी आपका डेटा बचा रहे, तो उसके लिए इससे बेटर तो क्या है, क्योंकि ये टेप बहुत बड़े नहीं होते, मतलब एक कैसेट से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब समझिए VCR का जो टेप आता था, VHS टेप जिसको कहते थे, उसका आधा साइज़ का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, आराम से मतलब आप पूरे एक हफ्ते का बैकअप एक टेप में डाले, अपने पॉकेट में रख के घर चले जाइए, मतलब हर हफ्ते का आप ऐसे करते रह सकते हैं, ताकि मतलब आपके पास एक ऑफ साइट बैकअप बने, कि मतलब बिल्डिंग, मतलब ऑफिस में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, आपके पास एक दूसरा रहेगा। और ये समझिए, ये जो फॉर्मेट है, हर फॉर्मेट के बारे में, डिजिटल फॉर्मेट के बारे में आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, कई सारे फॉर्मेट आए, कई सारे फॉर्मेट चले गए, लेकिन ये फॉर्मेट CD से पुराना है, और इस फॉर्मेट को 2001 में वो खोल दिया गया, मतलब कि फॉर्मेट को ओपन सोर्स कर दिया गया, तब आपको IBM का टेप मिल जाएगा, आपको डेल का टेप मिल जाएगा, आपको सोनी का टेप मिल जाएगा, आपको HP का टेप मिल जाएगा, मतलब काफ़ी सारी कंपनी इस पर खर्च करती है, और करोड़ों 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 का इस पर डेटा रखा हुआ है। तो आप टेंशन ही मत लीजिए कि ये फॉर्मेट आउट ऑफ फेज हो जाएगा। मतलब आपको एक एग्जांपल देने के लिए, पहले जो टेप आते थे, मतलब ये जनरेशन 3 से मैं आपको बता रहा हूँ, वो 800 GB स्टोर करता था। उसके बाद जनरेशन 4 आया जो 1.6 चला गया। अभी हम लोग हैं जनरेशन 7 पे जो 15 TB तक ले जा सकता है। जनरेशन 8 पे काम चल रहा है, और उसके बाद मतलब एक रोड मैप बना दिया गया है, और इसके जो ड्राइवर होते हैं, मतलब कैसेट को नहीं, मतलब जिसमें आप कैसेट चलाएंगे, उसको हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि एक पीछे तक वो पूरा लिखना और पढ़ना कर सके, और उसके एक पीछे तक सिर्फ पढ़ना तो कर ही सके। मतलब जैसे मान लीजिए आपने आज पैसा खर्च किया, आपने अपना ऑफिस आज बनाया था, तो आपने आज खर्च किया, आपने लॉट 5 पे पूरा एकदम खर्च कर दिया, लॉट 5 का टेप लिया, लॉट 5 का आपने पूरा वो ड्राइवर खरीद लिया, आप बैकअप करते जा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया, 10 साल हो गया जैसे मान लीजिए, और अब आपको लग रहा है यार अब टेप सब में जगह तो कम पड़ रहा है, मतलब अब काम नहीं चलेगा, मतलब अब आपका 3 TB में तो काम नहीं चल रहा, मतलब आपका एक दो दिन में 3 TB बन जा रहा है, तो बहुत टेप बदलना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, अब हम टेप, क्योंकि आप टेप 5 पे खर्चे रखे थे, तो आप टेप 6 में कूदना चाहोगे, ज़रूरी नहीं है, आप टेप 7 में कूद सकते हो। तो टेप 7 में कूदने का नुकसान ही होगा कि वो पुराने टेप से सिर्फ आप डेटा निकाल सकते हैं, तो ठीक है, आपका जो बैकअप है वो बचा रह गया, लेकिन आप उस पर वापस लिख नहीं सकते, मतलब वो सब टेप को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ये हर लॉट का कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि पुराने वाले 2 जनरेशन तक वो पढ़ सके, 1 जनरेशन पिछले तक लिखना और पढ़ना कर सके, ताकि आप मतलब आपका जो भी टेप है वो बर्बाद ना हो जाए। और आप टेंशन मत लीजिए, आपको आज भी अगर लॉट 3 का, आपको जनरेशन 3 का खरीदना है, मतलब तो मिलेगा, क्योंकि ये इंटरप्राइज ग्रेड है, कई लाख करोड़ के इंफॉर्मेशन रखा है, कई बार तो इसके एक वर्जन आता है जिसको कहा जाता है वर्म वर्जन, बेसिकली राइट ओनली रीड मैनी वर्जन, बेसिकली सिर्फ लिख सकते हैं एक बार CD को, बाद दोबारा उससे आप उसमें डेटा इरेज नहीं कर सकते। तो ये सब जैसे कोर्ट सिस्टम, जुडिशियली सिस्टम, बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट इसमें रहता है, तो लीगल डॉक्यूमेंट तो कब बनाया गया होगा, तो उस कारण से इसका आपको कभी सोचना ही नहीं कि ये आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो आप काफ़ी निश्चिंत रह सकते हैं कि इस पर आपने खर्च किया है, ये सिस्टम रहेगा, अब अभी भी हो गया, बोल रहे हैं 60-70 साल से चल रहा है, तो टेंशन आपको लेना नहीं है। और चूंकि ये कॉम्पैक्ट और मतलब सेफ है, तो इसका एक सिस्टम ये बनाया गया, रोबोटिक टेप लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, क्योंकि टेप का साइज़ फिक्स है, हर जनरेशन में फिक्स है, ये भी ध्यान रखिए कि मतलब लॉट 3 आप लॉट 4 में लगा सकते हैं, लॉट 4 लॉट 5 में लगा सकते हैं, मतलब सब जैसे CD DVD और ब्लूरे का साइज सेम है, ऐसे इसका भी साइज सेम है, तो इसको बहुत सारा हो जाएगा टेप। मान लीजिए कंपनी है जो कई कई टेराबाइट मतलब पर घंटे बना रही है, उसको बैकअप रख करके रख देना है, तो खूब सारा टेप हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए टेप का एक अपना से एक सिस्टम आने लगा है, जिसको हम लोग कहते हैं टेप लाइब्रेरी, जिसमें एक मशीन होगी, टेप निकालेगी, और हर टेप के पीछे मतलब इस जगह पे बारकोड रहता है, ताकि वो टेप को पकड़ लेगी, जान लेगी क्या है उसका, ठीक है उसको निकालेगी, उसमें डेटा लिखेगी, और फिर उस बारकोड पे वो डेटा रख लेगी, इस टेप में हम 80% लोकेशन यूज़ कर चुके हैं, फिर एक नया टेप आप लगाइए। तो ऐसे ऐसे करके मैनेजमेंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जिसमें आप ठीक है नया टेप लाए, पैकेट खोले, 15 नया टेप लगाए, कैसेट को सरका दिया अंदर, काम खत्म, आपको सोचना ही नहीं, वो खुद ब खुद टेप निकालेगा, खुद ब खुद टेप में डेटा डालेगा, खुद ब खुद वापस रख देगा, और आप अगर वापस गए कि हमको ये डेटा चाहिए, वो खुद ब खुद
खोजेगा टेप को, खुद ब खुद निकालेगा, खुद ब खुद उससे डेटा पढ़ के आपको दे देगा। तो काफ़ी ये ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है सिस्टम। तो कुछ नुकसान है इसका? हाँ, बहुत भारी नुकसान है। पहला, ये बहुत धीमा लिखता है। मतलब आप सोचोगे कि 8 TB है तो सुबह से रात लग जाता है इसमें 8 TB लिखने में। मतलब हार्ड ड्राइव का स्पीड के पास भी नहीं आता है, ये बहुत स्लो है। मतलब आजकल वाले में थोड़ा स्पीड बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी 400-500 MBPS पे चल रहा है। मतलब SSD से तो कंपेयर ही मत कीजिए, और हार्ड ड्राइव भी जो उतने बड़े कैपेसिटी के होते हैं उस पर उसके भी स्पीड से नहीं मैच करता है। और ठीक है, चलो रीड राइट आप मैनेज भी कर लोगे, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं होता है। जैसे कि CD जो है आप घुमा रहे हैं तो CD में जो लेंस है वो आगे पीछे जा सकता है, यानी कोई भी ट्रैक को पढ़ सकता है वो। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए टेप आपने लगा लिया उसमें, और दूसरा स्पूल जब यहाँ बन रहा है, तो जब तक मान लीजिए स्पूल के एंड में आपका डेटा था, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा स्पूल नहीं होता, तब तक आपका डेटा निकलेगा नहीं। तो इसका कोई रैंडम एक्सेस ना होने के चलते ये सिर्फ आर्काइव के लिए अच्छा है। और दूसरा, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। लेकिन आप बोलोगे अभी तो मैंने बताया 15-20 साल के लिए आप रख सकते हो, वो पैसिव लाइफ स्पैन है। मतलब आप रख के छोड़ दिए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक्टिव लाइफ स्पैन का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपने इसको लगा दिया ड्राइव में, आप इससे अभी रीड राइट किए, ये सिर्फ 300 बहुत बोल रहा हूँ, 300 तक ही डेटा रीड राइट हैंडल कर सकता है। मतलब आप इसका टेप निकाले पूरा स्पूल किए, फिर वापस इसमें डालें, फिर निकाले पूरा ये, उसको साइकिल कह रहे हैं, एक साइकिल हुआ वो। तो ऐसा करके वो सिर्फ 300 बार कर सकता है। इसीलिए आपको इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए आप बैकअप किए, तो ऐसा नहीं कि उसी कार्ड में आप दोबारा बैकअप करें। आप कर सकते हैं, आप 100 बार तक आराम से कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं करने को कहा जाता है। कहा जाता है कि आप डाले, बैकअप निकाले और रख लीजिए अपने पास, फिर किए रख लीजिए अपने पास, फिर किए फिर रख ले जाइए। आपके पास कैसेट का लाइब्रेरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक ही कैसेट को 100 बार उसी में बैकअप बना रहे हैं, वो कैसेट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो ये सब इसके नुकसान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मेरे चैनल को बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।